मामी मामू जान को क्रिकेट का बहुत शौक था ना। बहुत, जवानी में तो जुनून था, सारा वक्त टीवी से जुड़े बैठे रहते थे। तो इसका मतलब फिर जयान को फिर उन्हीं से मिला है ना। होता है भाई, कुछ असर तो आएगा। और बेटे? सयान, बेटे यहाँ क्या कर रहे हो? वो चाचू और दादू का वेट कर रहा हूँ। कहाँ गए हैं वो लोग? वो लोग बैंग हैं। अच्छा, कौन कौन गए? चाचू, पप्पू और दादू। अच्छा, लगता है बहुत बिजी थी जो फोन इतनी देर से उठाया। नहीं, आपके बारे में सोच रही थी, फोन पे ध्यान नहीं गया। मेरी इतनी याद आ रही है तो मैं फोन से निकल कर आ जाऊं। आए, कमाल हंसी आपकी। जी जाता है इन लबों पे कभी उदासी ना आए। गाड़ियां बेचने के साथ साथ आप शायरी भी अच्छी कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आपसे मिलकर करने लगा हूं। पूछेंगी नहीं क्यों? पूछूंगी, लेकिन पहले कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। खलील साहब, आई एम डिवोर्स्ड। मैंने सोचा कि इससे पहले नींद में आपके कदम आगे बढ़े, आपको जगा दिया जाए। अरे, जाग तो मैं तभी गया था जब आपसे मुलाकात हुई थी शीना। उस दिन मैं आपसे मुलाकात करने आया था, गाड़ी देने नहीं। गाड़ी तो मैं किसी भी मुलाजिम के हाथ भिजवा सकता था। जानती हूँ। तो फिर गाड़ी मेरे पास है लेकिन घड़ी वाली पास नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि गाड़ी चलाना सीखेंगी या मुझे ड्राइवर बनाने का इरादा है। जी, तो फिर मैं पक्का समझूं? क्या यही कि आप गाड़ी सीखना चाहते हैं? आप सिखाएंगे मुझे गाड़ी चलाना? बिल्कुल सिखा देंगे, मौका तो दें। मौका मांगा नहीं जाता खलील साहब, बनाया जाता है। चलें फिर वही बना लेते हैं। आज शाम आपकी ड्राइविंग क्लास है, मौका भी है, दस्तूर भी है, मिस मत कीजिएगा। गाड़ी निकल गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी।